मुंह पर काला फीता बांधकर मुख्यमंत्री का शव यात्रा निकाले बीजेपी कार्यकर्ता। बता देगी कल का प्रदर्शन में लाठी डंडे, आंसू गैस, रबड़ की गोली, पानी की बोतल, ईंट पत्थर से घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं का इलाज पारस हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं इधर गुस्सा है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज मौन जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का शव यात्रा निकाला। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहा गया आपका वादा। इतना ही माम है युवाओं में, इतना ही माम है, प्रतिवर्ष 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं दे सकेंगे तो हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, कहाँ गए आपके वादे। और आज जब लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में कल जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सचिवालय का घेराव कर रहे थे, तो उन निहत्थे कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजकर, आंसू गैस छोड़ करके, पत्थर चला करके, पानी का बोतल चला करके, रबड़ की गोलियां चला करके आपने उसको रोकने का काम किया। क्या लोकतंत्र में आपको इसकी इजाजत मिलती है? बिल्कुल नहीं मिल सकती। आज उसी का ये विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम है। हम लोग काला बिल्ला मुंह पर लगा करके मौन जुलूस निकालेंगे, हेमंत सोरेन का हम लोग शव यात्रा भी निकालेंगे और यहाँ पर उनका पुतला भी जलाने का काम करेंगे। देखिए, पत्थर चोर, बालू चोर, खनिज चोर, कोयला चोर, यदि भ्रष्टाचार में जिस जो लिप्त है, यदि वो दूसरे को काला कहते हैं तो मुझे नहीं समझ में आता है कि सफ़ेद और काला में हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़र्क नहीं समझ में आता है। रघुवर दास जी इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे और 5 साल उन्होंने एक बेदाग सरकार चलाने का काम किया। आज हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी बेदाग सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। आज जो कांग्रेस और राजद के लोग और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रोज़ नई खबरों में आते हैं कि भाई उनके जो IAS अधिकारी पूजा सिंघल या पंकज मिश्रा जैसे लोगों को ED ने समन किया, जेल में है। आज साहेबगंज दुमका में किस प्रकार खनन संपत्ति का, खनिज संपत्ति का लूट हुआ, आप ही लोग सार्वजनिक किए हैं। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जिनके राज्य में 4 वर्षों में 5,000 से अधिक महिलाओं पर अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, निर्मम हत्या हुआ, किसानों का पैसा उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, किसान ठगा महसूस कर रहे हैं, व्यापारी ठगा महसूस कर रहे हैं, युवा महिला सब वर्ग आज ठगा महसूस कर रहा है, काला दिवस तो काला आदमी तो वो लोग हैं, और हम लोग तो जनता की आवाज़ को मुखरता के साथ सड़कों पर उठाकर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह संघर्ष जारी रहेगा जब तक झारखंड वासियों को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो महिला पे अत्याचार हो रहा है, युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके भविष्य के साथ, तो हम लोग इसी सब के मांग को लेकर के कल घेराव कर रहे थे कि इस ऐसी सरकार ना रहे जिसमें युवाओं का खतरे में है, महिला खतरे में है, ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा हुआ है, ये तो आप लोग साक्ष्य देख रहे होंगे कि किस तरीके से सभी पे अत्याचार हुआ है, कल किस तरीके से डंडा बरसाया गया है हम लोगों के ऊपर। देखिए, कल जो बीजेपी के ओर से शांतिपूर्वक से जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उसमें हेमंत सरकार इतनी डर गई है, जो उन्होंने अपना तंत्र को लाठी डंडा आंसू का टीयर गैस सब चीज़ से बहुत हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया है। करीब 40 कार्यकर्ता हमारे घायल हुए हैं, तो उसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौन जुलूस निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा नहीं किया गया था, ये आपका गलत सूचना है। वो एक उलोक षड्यंत्र के तरह बता रहे हैं। उन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पे इतना लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण उलोक पे लाठी बरसाया गया है। देखिए, शांतिपूर्वक हमारी पार्टी पूरा विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो वो इतनी डर गई है, जो मैंने आपको बोला, जो उन्होंने अपना लाठी चार्ज किया, तो उसी के विरोध में आज हम लोग मौन जुलूस निकाले हैं। आपको विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन उन्होंने कल बहुत गलत तरीका से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा है, पीटा है, बहुत कैजुअल्टी हुआ है, उसी के कारण आज हम लोग मौन जुलूस रख के काले पट्टी। मैं काजल प्रधान, भाजपा प्रदेश मंत्री। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।